वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लैया से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे नौजवान की, उस फुल ऑफ आइडियाज, 22 साल उसामा है, जिनको यूट्यूब पे जग्गा जट टेक्निकल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नाम भी बड़ा टेक्निकल है। शफाक ये क्या करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो बनाते हैं, और छोटी सी वीडियो में आपको छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाना भी सिखा देते हैं, छोटी छोटी चीजों के साथ। अच्छा जी, ये देखें, मतलब मॉडल्स डिफरेंट तरह के आप देख सकते हैं, लिफ्टर्स, पता नहीं क्या कुछ बना रहे हैं, क्या क्या, और आप इनके छोटे छोटे पुर्जे, ये बड़ा मुश्किल और महारत का काम है। तालीम इनकी इतनी नहीं है, लेकिन जो उनका काम है ना, वो काफी ज्यादा गैर मामूली देख भी रहे हैं। उन्होंने ऐसे मॉडल्स बनाए कि आपको लगता है ओरिजिनल है। जी बिल्कुल, और बड़ी बात है, और जाहिर है कि इनको जितना सराहा जाए वो कम है। इसी पर बात करने के लिए उसामा और जग्गा जट हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, पहला बेसिक सवाल, कैसे हुआ ये शौक? इस तरह हुआ कि बचपन में हमारे हालात कुछ इस तरह थे कि हम खिलौने मेरे पास नहीं होते थे। जब मैं किसी बच्चे के पास खिलौना देखता था तो मेरा भी दिल करता था कि मैं इस खिलौने के साथ खेलूं, लेकिन वो खिलौना हम खरीद नहीं सकते थे। लेकिन जब मैं उस बच्चे के पास वो खिलौना देखता था तो अल्लाह ताला ने मुझे ये जहानत बख्शी है कि मैं उस खिलौने का अल्लाह ताला ने मुझे ये जहानत बख्शी है कि उस खिलौने को जो है मैं इस तरह देख लेता था कि वो उसकी एक एक चीज़ मेरे जहन में बैठ जाती थी। फिर उसको जो है मैं घर आके जो है गत्ते के ऊपर ट्राई करता था, उसको बनाने की कोशिश करता था, जो घर में गत्ता पड़ा होता है तो वो टूटा फूटा जो बन जाता था। लेकिन वो वही प्रैक्टिस करते करते आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक वही उस प्रैक्टिस करते करते जो खिलौने बनाते बनाते लेकिन अब जो है मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि जो खिलौना बनाता हूं उसके अंदर इलेक्ट्रिक चीज़ें मोटरें वगैरह डालता हूं और वो जिस तरह असली खिलौना काम करता था, जिस तरह असली खिलौना काम करता है उसी तरह ये मेरा बनाया हुआ हाथ के साथ खिलौना जो है वो काम करता है और बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। लोग उसको बहुत दूर दूर से देखने आते हैं और उस खिलौने की वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूं और मुझे बहुत ज्यादा चीजें बना रहे। कैसा गुमान होता है, आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो आप ये बताएं लोगों को कि आपकी तालीम कितनी है, कहीं से कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है आपने इन चीजों की? मैंने किसी जगह से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। ये मिन जानब अल्लाह है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जहानत बख्शी है कि मैं किसी चीज को भी देखता हूँ तो वो मेरे जहन में जो सेम कॉपी जो है उसकी मेरे जहन में बन जाती है। जिस वक्त जब चाहूँ मैं उसको जो है उसकी कॉपी जो है उसको उसकी जो कॉपी है वो मैं तैयार कर सकता हूँ और वो वर्क भी करेगी। अगर मेरे पास उसके पार्ट वगैरह हों तो मैं, अगर ना भी हो तो मैं शहर से कोई कबाड़ वगैरह से इकट्ठे करके जो है मैं इंशाल्लाह जो कार है किसी चीज़ भी का भी कोई मॉडल है तो इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। अच्छा, वैसे कुछ तो हम ज़ाहिर है मनाजिर भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं उन मॉडल्स के जो आपने बनाए, लेकिन आप खुद बताएं ज़रा कि कौन कौन से मॉडल्स अब तक आप बना चुके हैं चीज़ों के? अब तक जो है मैं बहुत सारे मॉडल बना चुका हूँ, जिसमें फॉर्चूनर है, ट्रैक्टर ट्राली है, हार्वेस्टर है, और ट्रैक्टर के तमाम औजार हैं जिसमें रोटावेटर है, हल है, करा है, और उसके अलावा मैंने एक छोटा सा कुआं भी बनाया है जो बहुत अच्छा बना है, मैंने एक कुआं भी बनाया है जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बहुत खूबसूरत है, जो वो पानी भी निकालता है उसी तरह। उसके अलावा मैंने एक छोटा सा नलका बनाया है, वो भी जिस तरह असली नलका है वो पानी निकालता है उसी तरह उसकी मैंने वो हथी लगाई है, जब उसको हम चलाते हैं तो वो पानी निकालता है, बहुत खूबसूरत लगता है। उसके अलावा मैंने थ्रेशर बनाई है जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। उसामा ये बताएगा कि वैसे आपकी आमदनी का जरिया क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि ये जो आप वीडियोस भी बना रहे हैं, लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो कितना कमा लेते हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। मेरी आमदनी का जरिया आज से जो है 4-5 मंथ पहले कुछ भी नहीं था। पहले हमारी जो है वो खेती बाड़ी थी, हमारे पास जो कुछ हमने जमीन ठेके के ऊपर ले रखी थी 2-3 एकड़। लेकिन जब से मैंने ये यूट्यूब का चैनल जो है स्टार्ट किया तो इससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग होती है, अच्छी खासी जो है जिससे हमारा घर वालों का, हमारी फैमिली का और मेरा जो मैं चीज़ें बनाता हूँ उसका जो खर्चा है वो अच्छा बहुत ही जो है अच्छी तरीके से निकल आता है। हमारा जो हमारी फैमिली का जो है वो अखराजात पूरे हो जाते हैं, हमारा गुजारा बहुत अच्छा चल जाता है। अच्छा, तो अभी तक जाहिर है कि यूट्यूब पर तो आपकी धूम है, किसी इंजीनियर ने, किसी कंपनी ने, किसी बड़े आदमी ने आपसे रब्ता किया, इससे मुतालिक बात की? नहीं जी, अब तक मेरे साथ जो किसी ने रब्ता नहीं किया, ना किसी बड़े आदमी, ना एमपी, ना एमएनए ने। वो वाहिद जो है वो आपकी ARY की टीम है जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, आपकी ARY टीम ने, और मुझे इधर इस मुकाम तक लेके आई, इस प्लेटफार्म तक, जिसकी वजह से आज लोग मुझे देख रहे हैं। तो मैं आपके प्लेटफार्म का दिल की अथाह ग्रहियों से मशकूर ममनून हूँ कि आपने मुझे जो है इस मुकाम तक पहुँचाया। एंड ट्रस्ट मी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास आप जैसे पाकिस्तान में टैलेंटेड लोग भी हैं जिनकी तालीम इतना हो फिर भी वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। ये बताएं फ्यूचर के क्या प्लान है उसामा?
मुस्तकबिल में मेरे इरादे ये हैं कि मैं, क्योंकि मैं गुरबत की वजह से नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने मुस्तकबिल में जो है कोई ऐसा काम कर जाऊँ, कोई ऐसा जो है रफाई काम कर जाऊँ जिसकी वजह से गरीबों के बच्चे वो पढ़ सकें, वो तलीम हासिल कर सकें और वो भी आगे जा सकें, क्योंकि हर बंदे का दिल करता है कि वो तरक्की करे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनके माली हालात बहुत तंग होते हैं, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर जो जहानत बहुत ज़्यादा होती है, अगर उनको खर्चा या उनको सपोर्ट किया जाए तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं, मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं कोई ऐसा रफाई काम कर जाऊं कि मेरे मरने के बाद भी लोग जो है वो उसे फायदा उठाते रहें और मुझे कब्र में जो है वो सवाब पहुंचे। नहीं, अल्लाह ताला अभी बड़े छोटे हैं, ऐसी बात जी ऐसी बातें ना करें, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करेगा। और उसामा, मैं जो है वो अभी अपने फोन से कई गाड़ियों की तस्वीरें आपको भेजूंगा और आपने जो है वो बस मटीरियल अरेंज करके वो गाड़ियाँ मुझे बना के देनी है। मैंने उसके ऊपर नाम जो है उन्हीं गाड़ियों की कंपनियों को लगाना है और मैं जो है वो कम रेट पे वो गाड़ी। अच्छा, एक मैं जरा दोबारा दिखाना चाहूंगी, जो फायर ब्रिगेड की जो उन्होंने गाड़ी बनाई थी, वो मैं चाहूंगी प्रोड्यूसर साहब प्लीज वो वीडियो जरा दोबारा चलाएं। ऐसे काम नहीं करती असली वाले, इतना कमाल काम नहीं करती। मतलब सामने आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की इनकी बनाई हुई गाड़ी वो आती है, वो उस पर पानी फेंकती है और आपके सामने वीडियो में देखा कि किस तरीके से वो पानी जो है वो बुझ भी जाता है, आग जो है वो बुझ भी जाती है। देखे जी, ये देखे, ये फायर ब्रिगेड की लगी गई है, ये देखे, वाह जी वाह, जबरदस्त। और ये देखिए, ये लगी है, ये देखने के बाद पड़ोसी मुल्क चीन रابطہ जरूर कर लेगा इनसे। क्योंकि भाई बहुत सारी ऐसी गलियां हमारे पाकिस्तान में भी देखा जाए कि गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, तो हो सकता है इस इतने साइज की जो गाड़ी में शायद जरूर जा सकती हो। ये देखिए, और इतने साइज की फिर आग भी उतने ही साइज की बुझाएगी, थोड़ी सी बड़ी कर लें। But this is cute. बड़ी अच्छी बात है उसामा, we are so proud of you और अल्लाह करे आप आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहे। चले जी, तो इसी के साथ हमारा जो प्रोग्राम है बाखबर सवेरा वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ख्वातीन हजरात, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।